भारत सरकार के जेल मंत्री, जिला कारागार मंत्री और होमगार्ड मंत्री श्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का झांसी में आगमन हुआ। झांसी की वीरभूमि धरा पर हम लोगों ने उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। वार्ड के लिए क्या आश्वासन दिया, क्या आपकी उनसे बात हुई इस विषय पर? मंत्री जी से हम लोगों की बातचीत हुई है और मंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि वार्ड को, जो भी वार्ड को लेकर समस्याएँ हैं, उनसे हम लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएँ रखी हैं। उन्होंने वार्ड को और झांसी शहर को जो भी होगा वो अच्छे से अच्छा करेंगे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है इस बात का और भरोसा दिलाया है। दावेदारी कर रहे हैं, इनको टिकट भी मिलना चाहिए और आगे इनको कार्य करना चाहिए जिससे महिलाओं का उत्थान है। क्या लगता है कि वार्ड साठ के विकास, जैसे कि स्वच्छता है, साफ सफाई है, आंगनबाड़ी है, शिक्षा है, उसके लिए रेखा जी बेस्ट रहेंगी? जी बिल्कुल, जहाँ तक ये है कि आंगनबाड़ी में जो भी कार्य रहते हैं, महिलाओं से विशेष जुड़े हुए रहते हैं, महिलाएं, बच्चे हैं और बाल विकास को लेकर के ये यहाँ तक कार्य करेंगी। और जहाँ तक ही है, कोई भी इनको आवश्यक पड़ेगा या कुछ भी इनको लगता है तो हम लोग सब लोग साथ रहेंगे इनके।